बाप रे बाप, हैप्पी स्नोफॉल हो रहा है भाई, हैप्पी स्नोफॉल आ चुके। सो देख सकते हैं आप लोग, आज 17 तारीख का स्नोफॉल ऐसा हो रहा है पूरा भाई। देखो बाप रे, कितना हल्का सा मस हो रहा है भाई। भाई कैमरा में लग गया। फिर से वेलकम है दोस्तों आप लोग के लिए। अभी मैं लाचुंग पे हूँ 17 तारीख, जो कि 16 तारीख भी मैंने अपडेट डाला था आप लोग को, और अभी मैं लाचेन पे हूँ। देखिए लाचुंग पे पूरा स्नोफॉल हो रहा है भाई। मैं अभी अभी गैंगटोक से आया हूँ, मेरा पीछे देखिए भाई, बाप रे। और मैं इधर होटल पे आ चुका हूँ लाचुंग पे। फुल्ली स्नोफॉल है, और ये होटल पे रुका है मैं, फिर ये ग्रांड लाचुंग पे पूरा भाई। हेलो हाय हाय गाइस, ऐसे हो? बस ठीक ठाक। अभी अभी आया मैं गैंगटोक से, लेकिन बहुत मस्त है स्नोफॉल, अच्छा देखने के लिए मिला। और कुछ बताइए आपका ये स्नोफॉल काल से हो रहा है इधर? आज तो हैवी स्नोफॉल हो रहा है और काल तक होने का संभावना बोल रहे हैं, मौसम अपडेट कर रहा है। हम तो ऐसा है, काल से स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन दो दिन कंटिन्यू हो रहा है, बट काल थोड़ा था, आज ज़्यादा स्नोफॉल हैवी हो रहा है। और मौसम का जानकारी के अनुसार काल भी होने का संभावना दिखा रहा है शायद। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत दूर से आया, जीवन सार्थक हो गया। जाने के लिए बोले दूसरा टूरिस्ट लोग को भी, और बोलूंगा सजेशन दीजिए कुछ, और बोलूंगा जो नहीं आया सबको बोल रहा हूँ आए, ये फीलिंग्स अलादा है, सब को भक्त किए। हम लोग झाड़ग्राम बहुत अच्छा लग रहे हैं, इस आइस फॉल के देखने के लिए हम दूर से आए हैं, झाड़ग्राम से आया है दार्जिलिंग को देखने पाया, हम लोग आया है सिक्किम को, आज छांगू उसका बंद था, हम एक दिन एक्सटेंशन कर दिया, रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, एक दिन एक्सटेंशन कर दिया इस जगह को, इस महल को हम देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो नॉर्थ सिक्किम में आके आपको कैसे फील हो रहा है, वो भी बोल दीजिए। बहुत 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 खूब, माने बहुत फील हो रहा है, खूब अच्छा फील हो रही है। तो स्वर्ग जैसा लग रहा है आपको? बहुत स्वर्ग लग रहा है, हम परिवार को, हम सबको लेकर आइए, यहाँ पर आइए, सब इस होटल में आइए। होटल का नाम बोल दीजिए। होटल का नाम है ग्रैंड लाचुंग। सब लोग खुश करके आइए, ये महल देखिए, ये बहुत अच्छा लगा। हाम्रो YouTube च्यानल हजुर नेपाल हजुर, तपाईलाई नर्थ सिक्किम आएर चाहिँ कस्तो लाग्यो होला? पुरा मजा आउँदैछ, जिन्दगीमा कहिले हेरेको छुइनँ यस्तो स्नोफल। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस मैं ठीक ठाक हूँ। आप आए कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, नेपाल वगैरह। तो इधर आके आपको नॉर्थ सिक्किम आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इट्स लाइक नेचर ब्यूटी। तो पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम होगा ना इसका? फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ये जी। तो इधर आके अभी बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। बाकी लोग से मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आप लोग भी आओ यहाँ पे, देखो इंजॉय करो। सब लोग देखे अंदर रूम पे जाने का मन नहीं कर रहे, सब बाहर स्नोफॉल का मजा लूट रहा है। और आपको लाचेन गुरुदुम्बा रोड ऑलरेडी बन है, और युमथांग भी बन है, 0 पॉइंट भी बन है, लेकिन हो सके तो आपको कटाव जा सकता है आप लोग, नहीं तो आप लोग कटाव भी जा नहीं पाएगा। और यहाँ लाचुंग से आगे आपको 6 किलोमीटर तक रास्ता खुला है, उसके बाद आपको रास्ता प्रॉपरली बनने।
छोड़ो ऐसे सिगरेट। हाँ सिगरेट कितना नहीं छोड़ना है। बहुत बढ़िया है। कौन सा फ्लेवर है? कीवी। कीवी हाँ कीवी का। अरे ए, 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 थोड़ा हट जाए इधर, शूटिंग चल रहा है इधर। क्यूबी का थोड़ा हम लोग का उक्का मार रहा है हमारा जो ब्रदर कलकत्ता। ए उधर हट जाए तो शूटिंग चल रहा है कलकत्ता से ले आया है। अरे फिर आ गया उधर हटिए एक बार आएगा पूरा पूरा तान के कैमरा ए माइक है। ओ भाई अरे बाप रे बाप रे, हम लोग हुक्का ले रहा है देखिए भाई, पूरा ग्लास का अंदर से धुआं निकल रहा है। अरे भाई हाय। अरे मैं तो काफी बार आया हूँ लेकिन लास्ट आया था 2019 में, लेकिन इस बार जैसा मजा कभी नहीं आया। फर्स्ट टाइम लाइफ में ये देखा है, ये लाइव स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और इसके साथ ये दोस्त लोग जो मिला, मॉल अच्छा सा कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। और हम लोग का जो ये लेके आया ये तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उसको वाइपर ठीक करना चाहिए। हम छोड़ेंगे नहीं, उसको 100 बार बोलेंगे विदाउट वाइपर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा सेकंड ट्रिप है, आपको लासूं सुबह का 7 बज चुका है। और सो देखिए भाई पीछे, आज का दूसरा दिन नहीं फिर भी स्नोफॉल हो रहा है पीछे छोटा छोटा। ला भाई देखिए सीन, लाचुंग का सीन ऐसा है भाई, पूरा पूरा भाई बर्फ ही बर्फ भाई लाचुंग में, और भी बर्फ बढ़ते जा रहा है। और देखिए पूरा बर्फ ही बर्फ। और स्पेशली अभी नाश्ता वगैरह करके मैं निकलने वाला हूँ युमथांग की तरफ। और युमथांग तो आपका यहाँ से ये लाचुंग से मिनिमम 6 किलोमीटर तक आगे पहुँचेगा, और फिर भी ले जाऊँगा मैं जहाँ तक खुला है। और उसके बाद बंदे लोग कटाऊ जाएगा बोल रहे हैं, और कटाऊ का भी हालत पतला है भाई, खुला है जैसे नहीं लग रहा है जो ठीक वो ऊपर है कटाऊ, क्योंकि उधर भी बहुत सारे बर्फ है, बर्फ की वजह से शायद वो भी बंद होगा। फिर देखना पड़ेगा, आज लाचुंग पे रोकना है इसीलिए धीरे धीरे अब निकलते जाएगा बर्फ, शाम तक तो हम लोग कटाव पहुँच जाएगा। फिलहाल ही मैं मेरा डिस्टिनेशन तक आ चुका हूँ दोस्तों, ये मेरा सेकेंड डे है, क्योंकि लाचुंग के लिए 3 दिन का आपको टूर करना पड़ेगा। ये मेरा सेकेंड डे, जो कि अभी लाचुंग से 6 किलोमीटर आगे तक हम लोग आ चुका है। यहाँ से आगे मिलिट्री वाला जाना नहीं दे रहा है, ये आगे रास्ता ख़राब है इसीलिए। और इस जगह को आपको यक्षा गेट बोलते हैं, हम लोग सभी इधर रुका है। रास्ता तो खुला है लेकिन सिर्फ एक ही गाड़ी जाता है इसीलिए जाना नहीं देता है, 2 गाड़ी क्रॉसिंग नहीं होता है इसलिए। और बहुत अच्छा है, धूप भी लग रहा है धीरे धीरे, और पीछे देखिए मॉल भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, और चारों तरफ का सीनरी देखिए भाई पूरा मस्त लग रहा है। कैसे हो रहा है सर जी? बहुत ठंडा है। हाँ और बहुत मस्त फीलिंग है, ऐसा फीलिंग जिंदगी में कब बहुत कम टाइम पे ही मिलता है। हाँ बहुत मस्त, बहुत मस्त। यहाँ का ये एक्चुअली ये है हम लोग का जो एरिया, बहुत मस्त फीलिंग हो रहा है। थैंक यू। आप तो अकेला घूम रहे हैं, बीबी को क्यों छोड़ के आए? वो अपने हिसाब से घूम रहा है, मैं अपने हिसाब से शूट कर रहा हूँ, मैं तो शूट कर रहा हूँ ना, तो कर लेते में पूरा। देखे भाई लोग इधर गुस्से में है सभी टूरिस्ट लोग, युमथांग वैली पहुंच नहीं पाया बोल के सब इधर लफड़ा हो रहा है भाई। लेकिन युमथांग वैली तो पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन टूरिस्ट आने घूमना आने वाला लोग भी नहीं समझता है, पुलिस ने हम लोग को यहीं तक ले आया, यहाँ से आगे जाना नहीं देते।
20 तारीख तक आप लोग को ऐसे कंटिन्यू स्नोफॉल और बर्फ देखने के लिए मिलेगा और जगह बढ़िया है। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, जो कि ये मेरा वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहा हूँ और अपना जगह का नाम भी कमेंट में दे दीजिए, और क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो तो देखता है बहुत लोग, मेरा सब्सक्राइबर लोग कम देखता है क्योंकि मैंने वीडियो बनाना के लिए छोड़ दिया था एक महीने के लिए, और मेरा यूट्यूब ने थोड़ा मेरा फ्रीज कर दिया था चैनल को, इसलिए व्यू नहीं आ रहा था और क्योंकि सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचा रहा था यूट्यूब में। और आप लोग जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सपोर्ट कीजिए, आप लोग के लिए मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आऊँगा, और जो भी नया बंदे हैं वो लोग मेरा साथ बने रहे, मैं आप लोग के लिए अपडेट लेते रहूँगा ऐसे ही। पूरा देखिए भाई, पूरा पाइन ट्री में आपका पूरा बर्फ ही बर्फ जम गया भाई, मस्त से थोड़ा ठंडा लग रहा था सुबह, लेकिन अभी पूरा स्नोफॉल रुक गया और धूप निकल गया, इसीलिए मज़ा इसी में हो रहा है। पूरा देखिए भाई, बाप रे बाप, वाह वाह, हमारा साथ इधर मैडम भी आ रहा है। ऑक्सीजन प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, कोई ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं है। आपका? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम कलकत्ता से आए हुए हैं और बर्फ देखने का बहुत मन था। ऐसे हम बहुत बार यहाँ पर आया है लेकिन हम स्नोफॉल नहीं देखे। काल का रात का जो स्नोफॉल इज अवसम, बहुत अच्छा लगा देख के। अरे स्विट्जरलैंड, हम लोग को स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। हाँ पहले भी हम आए लेकिन ऐसा ही देखे और भी इस बार और अच्छा लगा एकदम। काल रात को जो बर्फ गिरा, हम पहले आया कि गिरा हुआ देखा लेकिन काल रात को पूरा बर्फ गिरते हुए देखा, और आज एकदम लग रहा है कि हम स्विट्जरलैंड पे है, लग नहीं रहा है कि हम इंडिया पे ही है। दिस इज वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैं थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ जो कि उधर बहुत टूरिस्ट लोग है, इसलिए मैं थोड़ा साइलेंट जगह पे आया आप लोग को अच्छा जगह देखने के लिए, और आगे का माहौल भी देखेंगे, चाय वाय पियेंगे। उधर गम्बूट वगैरह भी पहन रहा है, गम्बूट का आपको एक सेट गम्बूट का 100 रुपये पड़ता है। इधर आएगा तो बर्फ में आप लोग को जो गम्बूट है पहनने से सेफ्टी और बढ़िया रहेगा क्योंकि आप लोग का जूते तो काम नहीं करता है, गम्बूट ही होना चाहिए बर्फ में खेलने के लिए क्योंकि बर्फ का अंदर घुसने से भी आपको सेफ्टी रहेगा। हेलो हेलो हेलो, मेरा भाई बंधु आ रहा है, हम लोग का ये नॉर्थ स्ट्रीम का राइडर पूरा तीनों। गाड़ी ऊपर जा रहे हैं कि गाड़ी ऊपर जावे ना, क्योंकि जो मिलिट्री वाला है हम लोग को यहीं तक परमिशन दिया, टूरिज्म ने तो हम लोग को युमथांग तक दिया था टूरिज्म ने, लेकिन इधर आके नीचे क्या सोचा था इधर आके दूसरा हुआ। मैं थोड़ा मस्ती करने जा रहा हूँ भाई, इधर देखे भाई, अब इधर बर्फ का माल होगा भाई, माल मजे अलग है, मजा ही बर्फ में खेलने का। अभी इधर बर्फ है ना, कूद के आएगा मैं। हाँ हाँ, अरे भाई घुस गया यार, गांड में घुस गया, गाड़ी वगैरह स्लिप हो रहा है, इधर काम ही नहीं कर रहा है। ओ ये तो घुमाओ ना, पूरा बर्फ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है हमारा दादा दीदी लोग। हाँ पूरा खेला हो रहा है इधर, क्या रिसाओ के छैन रिसाउनु म। एक मेरा पर्सनल, ठीक है, क्या मस्त है भाई। और दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा, कैसा लगा आप लोग को, बने रहे मेरा साथ अच्छा लगा तो, और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए लेते रहूँगा नॉर्थ सिक्किम का जो अपडेट। और नया है तो मेरा चैनल पे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे फिर हम लोग दूसरा ब्लॉग पे। अभी के लिए बाय बाय।